देखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आगे फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये हमने 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बड़े पैमाने पे किया हुआ है सारा का सारा, तो बस सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है, इनके ग्राफ और इनकी डोमेन रेंज, इनके पीरियड, ये सब आप जो है ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का जो नोट्स है उसमें देखेंगे तो आपको सारा आइडिया वहाँ पर मिलेगा। अभी सिर्फ ये क्विक रिवीजन है ताकि हम डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकें, तो उसके लिए थोड़ा रिवीजन है केवल हल्का सा। बाकी आप जो है वो इसका ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, उसका पीरियड क्या होता है, वो सारा ट्रिग्नोमेट्री हमने पिछली क्लास में किया हुआ है, ठीक है। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में सारा कुछ है, वैसे जितना काम का है वो मैं अभी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पर सब मैं बता देता हूँ, बल्कि सारा ही बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर देख लें। तो यहाँ पर तीन कॉलम बना लेंगे, एक बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर लिख लेते हैं डोमेन और यहाँ पर लिख लेते हैं रेंज। तो सबसे पहली बात आती है साइन एक्स की, तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स की क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर रख सकते हैं। डोमेन का मतलब होता है सारी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड होता है। तो एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं साइन के साथ जो है वो, एक्स की जगह पे हम कितने डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम तो किसी भी डिग्री की वैल्यू निकाल देते हैं, साइन छोटे से छोटा एंगल हो या साइन से बड़े से बड़ा एंगल हो। और ग्राफ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम एक्स की कोई भी वैल्यू रखते चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज जो है रेंज, हाँ तो वाई की वैल्यू जो है वो फिक्स है, माइनस वन से वन तक ही होगी, एक्स में तो आप कहीं से भी चले जाएं माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं पर, लेकिन वाई फिक्स है माइनस वन से वन के मिड में ही रहने वाला है। फिर उसके बाद कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स में भी सेम वही है और ये भी सेम यही है, वाई बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। टेन एक्स के बारे में बात करेंगे, अगर टेन एक्स तो टेन एक्स क्या होता है, क्या हम टेन एक्स में एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको हमें हटाना पड़ेगा जो कि अनडिफाइंड कर देती है, और वो टेन होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, जितना भी ऑड मल्टीपल हो, चाहे टेन पाई बाई टू हो, टेन थ्री पाई बाई टू हो, टेन फाइव पाई बाई टू हो, माइनस का टेन पाई बाई टू हो, माइनस का टेन थ्री पाई बाई टू हो, ये सारा जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, यहाँ पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूटी शो करने लगता है। ये हमने उसको ग्राफ में वहाँ पर सीखा था, ऑड मल्टीपल जितने हैं वो सारे के सारे हमको हटाने पड़ेंगे। अब इसकी रेंज क्या होगी, जो वाई बिलोंग्स टू है, तो रेंज फिक्स है एकदम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या फिर हम बोल सकते हैं वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों का मतलब सेम है। तो ये हो गया साइन कॉस टेन की बात। फिर अगर बात करो कॉट एक्स की, तो कॉट एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, तो अपॉन में साइन नहीं आना, अपॉन में साइन आ रहा है तो साइन जहाँ जहाँ पर जीरो होगा, कॉट को हम बोलते हैं ना कॉस अपॉन साइन, तो जहाँ जहाँ पर साइन जीरो होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो सारे रियल नंबर में से हमको वो वाले पार्ट हटा देने होंगे, और साइन ऑफ एनी पाई जीरो होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ एन पाई। ये जो एन है वो हमेशा बताने की ज़रूरत नहीं है, एन जो है वो इंटीजर है, नहीं नहीं एन जो है वो क्या है, इंटीजर है, एन की वैल्यू वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, नहीं साइन ऑफ कोई भी पाई हो, चाहे साइन पाई की वैल्यू निकालो तो भी जीरो, साइन टू पाई निकालो तो भी जीरो, साइन थ्री पाई निकालो तो भी जीरो, साइन ऑफ एनी पाई जीरो, तो इसलिए आर माइनस एन पाई करना पड़ेगा और एन जो है वो कोई इंटीजर है। वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई भी यहाँ पर फिक्स है, वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप कुछ भी रखेंगे, कॉट कॉट एक्स जो है वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के मिड में आएगा। कॉट के बाद बात आती है सेक एक्स की, तो सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, तो अब sec x होता है 1 अपॉन cos x, तो क्या जीरो नहीं होना चाहिए,
जैसे यहाँ पे 10 आया था तो साइन अपॉन कॉस आया था, तो कॉस में जो होता है वो कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, इसीलिए 90 का सारा मल्टीपल हटा दिया गया था। सेक में भी अपॉन में कॉस आता है, तो इसलिए 10 और सेक का जो डोमेन होगा वो सेम हो जाएगा, जितने भी ऑड मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल जितने भी पाई बाई टू के हैं वो हटाने पड़ेंगे। अब सेक एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वाई बिलोंग्स टू। तो अगर आपको ध्यान हो तो सेक एक्स होता है वो कॉस को रिवर्स करके हम बना देते थे, लेकिन -1 से 1 के बीच में कॉस एक्स का ग्राफ आता है, तो सेक एक्स का ग्राफ -1 से 1 के मिड में नहीं आता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो जो कॉस होता था उसी को हम क्या करते थे, जो नीचे वाला एक होता था उसको ऊपर कर देते थे और जो ऊपर होता था उसको नीचे कर देते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेक एक्स का जो ग्राफ है वो -1 से 1 के मिड में कभी नहीं आने वाला है। तो इसकी जो वाई की वैल्यू है वो -∞ से -1 U^(1 to ∞) हो जाती है। तो ये आपको बताना है। और अगर हमसे कोई कहता है कि सेक एक्स की वैल्यू -1 से 1 के मिड में आ रही है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि जी 1/3 आ रही है या सेक एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेक एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, सेक एक्स का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो कभी भी 0 नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद कॉसेक एक्स की बात हो रही है, तो कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, 1/sin x, और 1/sin करोगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, साइन वाले हटाने पड़ेंगे। तो साइन वाला किस में मिल रहा है, कॉट वाले में, तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट एन पाई। और y जो है वो sec का हो या cosec का हो, दोनों का बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि साइन और cos का सेम होता है y, तो इसलिए इनका भी बिल्कुल सेम होता है। साइन और cos का ग्राफ जो होता है वो -1 से 1 के मिड में लाई करता है, लेकिन sec और cosec का जो ग्राफ होता है वो -1 और 1 के मिड में लाई नहीं करता है, -1 से या तो बड़ा छोटा होगा या तो 1 से बड़ा। कुछ याद आई वैल्यूज इनकी, कुछ समझ में आ रही बात ये, इसमें कुछ पूछना है आपको किसी ने तो मैं ग्राफ ड्रॉ करके बता सकता हूँ, अगर किसी का आइडिया नहीं हो रहा है तो। बस ये सारे ग्राफ हम लोग पहले कर चुके हैं, तो आपको ये बेसिक आइडिया है जो याद रखना चाहिए क्वेश्चन डोमेन और रेंज के जब आते हैं, तो कम से कम इतना आइडिया तो हमको होना चाहिए कि ये जो है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, कॉस की इतनी होती है, टेन की इतनी मैक्सिमम वैल्यू है, रेंज का मतलब ही हो गया मिनिमम टू मैक्सिमम। एक इम्पॉर्टेंट और रिजल्ट हमने पढ़ा था और वो ये था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट शायद आप में से कई लोगों को पता भी होगा, वाई इक्वल टू अगर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अगर मिलता है तो y की रेंज कैसे निकालते हैं। अगर a cos theta प्लस b sin theta की, ये तो NCERT का पार्ट है कि अगर a cos theta प्लस b sin theta होता है तो y की जो रेंज है वो क्या मिलती है, y बोल दो या f of theta बोल दो, इसकी रेंज कैसे निकलती है, रेंज ऑफ y बिलोंग्स टू माइनस के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मिड में होती है। ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ था, आप चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री में चेक कर सकते हैं। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, ए और बी बस उठा लो और उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो और अंडर रूट लगा दो, और माइनस प्लस करोगे तो माइनस होगी तो मिनिमम, और मैक्सिमम बोलेगा तो वही वैल्यू प्लस में आ जाएगी। जैसे अगर मैं इसका सीधा सा क्वेश्चन लेना चाहूँ तो y इक्वल टू है 3 sin x प्लस 4 cos x। अब इसकी रेंज बतानी है हमको, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -5 to +5। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही है बात। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बेसिक बातें थी जिनका हमको आइडिया होना चाहिए, और ये हमने सारा का सारा पहले कभी सीखा हुआ। अब चलिए जरा क्वेश्चंस देखते हैं जो डोमेन और रेंज से रिलेटेड है, जो इसमें आए हुए हैं वो क्वेश्चंस जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन जेई में बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द
नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन गिवन है साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें हमको आइडिया ही नहीं होता कि हम इनको स्टार्ट कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, इसमें कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्टिंग करें, इसकी क्या क्या करें, इसमें कुछ आइडिया ही नहीं होगा इसको देख के, क्योंकि हम कुछ भी इसमें आगे एक कदम भी अपना बढ़ा नहीं पाएंगे। इसको देख के लग रहा है कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक खास बात ये है कि इन्होंने ये नहीं पूछा है कि एक्स की क्या वैल्यूज होगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये नहीं पूछा गया कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होंगी। क्वेश्चन समझना पड़ेगा थोड़ा, दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होंगी, ये आपको बताना है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, दोनों में डिफरेंस है ना, मतलब हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज आई हैं, बस हमको ये बताना है कि कितनी वैल्यूज आएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने चाहिए बताओ, कोई आइडिया दो। नहीं इसमें ऐसा कुछ, एक मिनट, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, केवल हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बातें तब होंगी जब इमेजनरी नंबर की बात की जा रही होगी। यहाँ पर तो रियल नंबर है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यूज है वो हमको बतानी है। तो देखो मैं बताता हूँ इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। कई बार इसके और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी हम उनके बारे में बात कर लेंगे यहीं पर। वैसे ये एक्चुअली में क्वेश्चन होना चाहिए था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ना उसका होना चाहिए था, इसका डोमेन और रेंज से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई कोई भी एक लाइन आप आगे बढ़ नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं इसका सोल्यूशन ऐसे करते हैं कि हम वाई इक्वल टू दोनों एल एच एस को एक अलग वाई लेट कर लेते हैं और आर एच एस को एक अलग वाई लेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों वाई की वैल्यू होंगी। वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना हमको आता है, बस हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ और आना चाहिए। तो हमने पिछली क्लास में या पिछले से पिछले में हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को फैक्टराइज करके या उसको परफेक्ट स्क्वायर करके हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखा था, आपको याद होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, एक्स के कोफिशेंट को हाफ कर देते हैं और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो वन बाई टू आएगा। तो वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस वन बाई फोर प्लस वन, तो ये बन गया x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, फोर माइनस वन थ्री बाई फोर। ये हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के देखा तो ये बन गया पैराबोला। चाहो तो आप y में y माइनस थ्री बाई फोर कर लो और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है बताओ, इसको देख के हमको आइडिया हो रहा है कि इसकी जो है वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ। ये तो हमने पिछली क्लास में काम किया था, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देख के क्या आइडिया हो रहा है। अरे भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, या तो पॉजिटिव होगा या तो ज़ीरो होगा। तो सबसे कम वैल्यू क्या मिलेगी हमें वाई की, जब इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो जाए, जब इस वाले पार्ट की वैल्यू जीरो हो जाए तभी तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी थ्री बाई फोर, और इस वाले पार्ट की वैल्यू जीरो कम हो सकती है जब एक्स प्लस थ्री बाई टू क्या हो जाए, सॉरी एक्स प्लस वन बाई टू क्या हो जाए जीरो, यानी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाए हमको माइनस वन बाई टू। तो जब एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू आप रखेंगे तो वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो थ्री बाई फोर मिल जाएगी आपको, वाई की मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी थ्री बाई फोर, जब x की वैल्यू आप क्या रखेंगे माइनस वन बाई टू। अच्छा y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। x की वैल्यू कहाँ पर, अरे भाई x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, खूब बड़ी बड़ी वैल्यूज रखो तो y की भी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसका मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू है वो थ्री बाई फोर आ रही है,
अब जरा साइन एक्स के बारे में बात करो, तो साइन एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा ही हुआ है कि साइन एक्स क्या होता है, -1 से 1 के मिड में लाई करेगा। अब जरा इन दोनों का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें देखना यह है कि अगर ये कट कर जाता है, अगर ये कट कर जाता है तो इसका मतलब सोल्यूशन होंगे, और अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करते तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन फिर नहीं होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं होंगे, और वही हमको देखना है। इस तरह क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो साइन एक्स का ग्राफ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ये है साइन एक्स का ग्राफ, सबको आइडिया है वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। और भी आगे पीछे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, और ये 4 पाई, आगे भी जाएगा, ये कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। और ये बात तो क्लियर है कि ये वैल्यू जो है वो +1 है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो -1 है। ये तो साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब जरा हम देखते हैं कि वाई इसका जो ये वाला है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 पुट किया और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 हो जाएगा, उससे हमें रियल वैल्यू मिलेगी नहीं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलेगी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स होते हैं, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा। यानी ये एक्स एक्सिस जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तभी y की वैल्यू 1 दे रहा है, तो ये यहाँ पर होगा इसका ग्राफ, जब x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 1 दे रहा है। और फिर इसी तरीके से, और ग्राफ हमको पता है कि इसकी ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इधर की तरफ हमें और देखना पड़ेगा, ये तो ये जो है वो ऐसे चला जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो इसका जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ पर होगा, वो वर्टेक्स इसका यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर इसको एग्जैक्टली बनाया जाए तो वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट इसके क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें आप, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है आपको पता चल रहा ना, कि -1/2 पे ये कितना दे रहा है, ये लिखा हुआ है -1/2 पे ये माइनस का कितना दे रहा है, 3/4, 3/4 का मतलब पॉइंट इस तरीके से यहाँ पर आएगा। तो ये ग्राफ जो है इसका कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ से ये इसका जो है वो वर्टेक्स हो जाएगा, और ये ऐसे, सॉरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा कर्व में जाना चाहिए था, तो ये बन जाएगा ऐसे गया और फिर ऐसे करते करते ये बन जाएगा। तो ये हमारा जो है ये कर्व जो है कहीं पर एक दूसरे को कहीं पे कट कर रहे हैं, तो अगर ये कट ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं रीजन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसकी इसका ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का, ये दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, यानी x की जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x होंगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जैसे उसने कहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 0। हाँ, अगर यही ग्राफ एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट करते या एक पॉइंट पे कट करता तो फिर हम उसको कह देते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं इस तरीके से कर लेता हूँ कि वाई इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, वाई इक्वल टू मान लीजिए आपके पास है एल एन एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स है। अब इसमें अगर हमसे कहा जाए फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इक्वेशन ऐसे दे दी जाए कि एल एन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू अलग अलग दे ही ना, तो हम वाई इक्वल टू अलग अलग तो बना ही लेते हैं, उसके बाद फिर बस हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है कि कितनी जगह पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो एल एन एक्स का ग्राफ सबको पता है कि वाई इक्वल टू एल एन एक्स कुछ ऐसे जाता है, ऐसे ही तो होता है ना, y इक्वल टू एल एन एक्स, देखा हुआ है आपने y इक्वल टू एल एन एक्स, और y इक्वल टू यहाँ पर एक काम करते हैं, ये y इक्वल टू एल एन एक्स है और ये y इक्वल टू x ले लेते हैं इसको, तो और ज़्यादा क्लियरली हमको समझ में आएगा।
तो एल एन एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो ये बन गया वाई इक्वल टू एल एन एक्स, और एक हमारे पास दिया है वाई इक्वल टू प्लस एक्स, इसको हमने प्लस एक्स कर लिया। तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, बल्कि यहाँ पे वाई इक्वल टू हमने पहले क्वेश्चन क्या लिया था माइनस एक्स, तो चलो माइनस ही कर लेते हैं, वाई इक्वल टू माइनस एक्स में ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगा। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है वाई इक्वल टू एक्स का, और वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स का। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कहाँ से जाएगा, ये जाएगा यहाँ से, और ये लाइन कट करते हुए यहाँ निकल जाएगा, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। कितनी जगह पे कट किया उसने, उस ग्राफ को कितनी जगह पे कट किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, तो देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ln x plus x equal to 0 is कितने हो जाएंगे 1। तो मतलब जितनी जगह पे वो कट करेगा उतने उसके सॉल्यूशन हमको मिलने वाले, यहाँ पर एक जगह पे कट किया उसने तो एक सॉल्यूशन हो सकता है, कई बार ग्राफ एक दूसरे को दो से तीन जगह पे कट करेंगे तो 2 या 3 सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात क्लियर हो रही है यहाँ पर कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई टेन है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको बताने हैं कितने होंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है और एक एक्स बाई टेन का ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर देखना है कि वो दोनों एक दूसरे को कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो एक बार जरा देखो, ट्राई मारो एक बार देखो, साइन एक्स के बारे में हमें आइडिया है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस वन से वन के मिड में लाई करेगी, और साइन एक्स अगर माइनस वन से वन के बीच में है तो एक्स बाई टेन भी माइनस वन से वन के बीच में होगा। तो एक्स वाई टेन का ग्राफ ड्रॉ करना है और साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर हमें देखना है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को कितनी जगह पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं। एक बार ट्राई करें आप इसको भी, ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा है, इजी और इम्पॉर्टेंट।
आ रहा है कुछ समझ में? कैसे करेंगे? नहीं, एक हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स और एक हो जाएगा y इक्वल टू एक्स बाई टेन। तो एक बात तो क्लियर है कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के मिड में होगी। तो हमें क्या मतलब है कि भाई साइन एक्स जब -1 से 1 के मिड में है तो एक्स बाई टेन को भी -1 से 1 के मिड में ही ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि तो ज़्यादा आगे पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं जब ये -1 से 1 के मिड में ही लाई करता है। तो फिर ज़्यादा आगे पीछे जाएंगे तो वो वैसे भी नहीं कट करने वाला है। तो ये बन गया साइन एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई -10 टू +10 और साइन एक्स की वैल्यू -1 टू 1 बन गई। अब यहाँ पर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये -1 से 1 के मिड में लाई करेगा। और हमें कहाँ तक जाना है तो ये भी देख लेते हैं। पाई है, पाई का मतलब होता है 3.14 अप्रॉक्सीमेट। 2 पाई, यहाँ 2 पाई है तो इसका मतलब हो गया 6.28। फिर 3 पाई यहाँ पर आ जाएगा, 3 पाई का मतलब कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.42 अप्रॉक्सीमेट। तो 10 कहीं यहीं पर आएगा, 9.42 यहाँ पर है 2 पाई, तो 10 कहीं यहीं पर तो होगा ही। बात समझ में आ रही है? ये 4 पाई तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और जितना इधर जाएंगे उतना पीछे भी हमें जाना पड़ेगा। तो उतना पीछे भी आ जाते हैं यहीं पर। तो ये हो गया -π, ये -2π, ये -3π और ये -4π। तो -10 का यहीं पर आएगा। तो अब -10 को जरा इंडिकेट कर देते हैं कि 9.42 यहाँ पर है, तो 10 यहाँ कहीं पर होगा और -10 जो है वो यहाँ कहीं पर होगा। अब आता है y इक्वल टू एक्स बाई टेन का ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स बाई टेन कैसे बनेगा, तो देख लो यहाँ पर वैल्यू रख के देख लो ना y इक्वल टू एक्स बाई टेन। तो x और y के जरा देख लो, अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कितने तक हमको जाना पड़ेगा। जब x की वैल्यू आप पुट करोगे क्या, 0, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y तो 0 मिलने वाला है। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1/10। जब 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2/10। 3 पुट करोगे 3/10। 4 पुट करोगे 4/10। पाई पुट करोगे, जैसे मान लो कोई कहते कि भाई पाई यानी 3.14 पुट कर दो, तो पाई पुट करोगे तो पाई का मतलब हो गया 3.14 डिवाइडेड बाई 10। तो 0.3 समथिंग आएगा इसकी वैल्यू, 0.3। यही तो मतलब हुआ ना, पॉइंट इसका मतलब हो गया 0.314। फिर इसी तरह 2π पुट करोगे तो 2π/10 हो जाएगा, तो यानी हो गया 0.628। फिर 3π जब पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3π जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 9.3π/10। तो ये आ जाएगा 0.942 आ जाएगा। तो 0.9 तक मिल रहा है देखो, और हमें 1 के ऊपर तो जाना ही नहीं, क्योंकि 1 के ऊपर जाओगे तो फिर तो वो ऊपर निकल जाएगा और वो बनने वाला है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपको देखना है और बताना है कहाँ पर क्या कट करने वाला है। सोचो, 0 पे 0 दे रहा है, और बहुत छोटा सा ग्राफ बनाएंगे इसका, 0 पे 0 दे रहा है तो ये 0 पे 0 मिल गया। 1 पे 1 पे कितने सोल्यूशन आएंगे, 1 सोल्यूशन, नहीं देखो पाई पे जब देख रहे हो तो 0.3 बना रहा है, 0.3 का मतलब कहीं यहाँ पर होगा, ये होगा ना 0.3। फिर 0.6 कहीं यहाँ पर होगा, 0.9 कहीं इसके पास में होगा, ये 0.9 होगा, तो 0.3 का मतलब कहीं यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ से जाएगा ग्राफ। फिर उसके बाद जब आगे और बढ़ोगे, जब 2π रखा आपने तो 0.6 हो गया, मतलब थोड़ा सा और ऊपर हो गया, और
जब 3 पाई रखा है यहाँ पर, जब आगे आगे बढ़े, आगे और बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर आ गए, तो फिर उसके बाद जब हमने 3 पाई रखा तो 0.9 मिल गया। 0.9 का मतलब थोड़ा और ऊपर आ गया। 3 पाई रखने के बाद, 3 पाई रखने के बाद और ऊपर आ गए थोड़ा सा, 0.9 मिलता गया। और इसी तरह पीछे भी जाते जाओ, पीछे माइनस पाई रखोगे तो कहीं यहाँ पर आ जाएगा, 2 पाई में थोड़ा और नीचे जाएगा, 3 पाई में थोड़ा और नीचे जाएगा। तो कुल मिला के ग्राफ जो है वो कुछ इसका स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन कुछ इस टाइप से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स बाई टेन का ग्राफ। और यहीं से फिर नीचे भी इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। तो ये यहाँ यहाँ पर कट करते हुए तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे? 1, 2, 3, देखिए 4, 5, 6 और ये 7 जगह पर ये जो है कट करेगा दोनों एक दूसरे को। तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको कितने मिल जाएंगे? ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितने मिल जाएंगे? 7। एक बार आपको करना क्या है कि पहले एक बार y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, फिर एक बार y इक्वल टू एक्स बाई टेन का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। और -10 से +10 तक ही क्यों किया हुआ है? क्योंकि अब आप आगे बढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे ही आप 10 से बड़ा कोई नंबर रखोगे, कोई मान लो कह देता है कि भाई आपने 11 क्यों नहीं रखा, तो 11 रखोगे तो 11/10 का मतलब क्या हुआ? 1 से बड़ा हो गया। 11/10 का मतलब हो गया 1.1, तो 1 से बड़ा हो गया। और अगर 1 से बड़ा हो गया तो क्या उसको चेक करने की हमें ज़रूरत है क्या? फिर हम उसको क्यों चेक करेंगे 1.1 को? क्योंकि साइन एक्स ही हमारा -1 से 1 के मिड में लाई कर रहा है, तो फिर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं उसके बारे में। या अगर कोई कह दे हमसे कि माइनस का 11 क्यों नहीं रखा, -12, माइनस और बड़े बड़े नंबर क्यों नहीं रखा, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? उसका रीज़न ये है कि वो -1 और 1 के बीच में ही हमको देखना है कि कितनी जगह पे इसकी वैल्यू मिल रही है, उसके आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अब बोलो इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है? तो एक बार इसको जरूर अपने से और एक बार जरूर ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो फिर बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखें कि कई बार क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देखना पड़ेगा कि वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगह पे कट कर रहे हैं, वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। कोई अगर इसमें हमसे पूछता कि भाई एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी तो थोड़ा मुश्किल काम होता। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का सहारा लेना पड़ता कि भाई कहाँ कहाँ पर ये वैल्यू दोनों सेम हो रही, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखना पड़ता, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखना। तो इसलिए इसने क्वेश्चन में इसीलिए पूछा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, ना कि ये पूछा है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ऐसे लिख लेते हैं, द रेंज ऑफ फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/2 - sin 3x। कह रहा 1/2 - sin 3x की रेंज क्या होगी वो बतानी है आपको। ए ऑप्शन में गिवन है 1/3 से वाई की वैल्यू 1/2 तक है, y की वैल्यू जो है वो -1/3 से y की वैल्यू 1 तक है, 1/3 से y की वैल्यू 1 के मिड में है, और d ऑप्शन में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आप फिर सीखते हैं इनके बारे में भी।
अच्छा यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा तो आप क्या जवाब दोगे बताओ। डोमेन के लिए y इक्वल टू 1/2 - sin 3x है, तो हम x की क्या वैल्यू नहीं पुट कर सकते, वो हमको देखना पड़ेगा। वो हम हटा देंगे सारे रियल नंबर में से, और ये y इक्वल टू 1/x का केस है, रेशनल नंबर का केस है। तो रेशनल नंबर में p अपॉन q के फॉर्म में होता है, तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है कभी 0 हो पाएगा क्या? क्या 2 - sin 3x की वैल्यू कभी 0 हो सकती है? सोच के बताइए आप कि क्या 2 - sin 3x की वैल्यू कभी 0 के इक्वल हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ, क्या रीजन होगा क्यों नहीं होगी? बिल्कुल साइन एक्स, अभी इसीलिए तो मैंने सारी बातें अभी पहले कर चुका हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि साइन एक्स की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो खुद ही -1 से 1 के मिड में होती है। तो क्या कभी भी 2 - sin 3x 0 हो सकता है क्या? कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि sin 3x की वैल्यू क्या कभी भी 2 की इक्वल हो सकती है क्या? तो हम चाहे x की कुछ भी वैल्यू रखें, 2 - sin 3x कभी 0 होगा ही नहीं। तो अगर हमसे पूछा जाता कि भाई इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन लिख देते हैं हम कि एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखो, डोमेन ऑफ फंक्शन यही होने वाला है। एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख दो, कभी ये अपॉन वाला 0 होगा ही नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन में 2 की जगह 1 - sin 3x होता तो फिर हो सकता था कि भाई sin 3x कई जगह पे जो है वो 1 हो जाता, कि नहीं? क्योंकि sin 3x की वैल्यू 1 तो पॉसिबल है ही ना, sin थीटा की वैल्यू 1 तो हो ही सकती है। इस 3x से हमको मतलब नहीं है कि हम 3x को देखें, हमें मतलब है sin थीटा से, कि sin थीटा 1 तो हो सकता है, लेकिन 2 हो जाए 3 हो जाए ऐसा कोई जरूरी तो है ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता कि इसका डोमेन क्या होता, तो हम बोल देते हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप कुछ भी रियल नंबर रखो, कभी अपॉन में 0 आने का टेंशन ही नहीं। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में डोमेन ना पूछ के रेंज पूछा है। तो देखो, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन है पूरा वही बनाने की कोशिश करेंगे हम। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के मिड में है, और हमें क्या बनाना है यहाँ पर, sin 3x। तो अगर साइन एक्स 1 से 1 के मिड में है, तो sin 3x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा बताओ? अगर sin x 1 से 1, -1 से 1 के मिड में है, तो sin 3x किसके मिड में होगा? बिल्कुल, वो भी -1 से 1 के मिड में होगा, क्योंकि एंगल चेंज करने से साइन पे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा। हाँ, है तो ये sin थीटा ही ना, और ये भी sin थीटा ही है। हाँ, अगर कोई कहता कि भाई 3 sin x कितना हो जाए, अगर हमसे कहा जाता कि भाई 3 sin x कितना होता, तो हम कह देते कि भाई -3 से +3 तक हो जाता, लेकिन ये तो हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है sin 3x, उसके बाद उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, sin 3x के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -sin 3x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा? तो -sin 3x में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा 1, लेकिन तब भी -sin 3x भी -1 से 1 के मिड में ही लाई करने वाला है। अब उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, तो हमने सब तरफ 2 ऐड कर दिया, क्योंकि हम पूरा वही बनाना चाहते हैं, तो हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये 1+2 हो गया, और यहाँ -1+2 हो गया। तो 2 - sin 3x की वैल्यू जो है वो क्या बन गई, 1 से लेकर कहाँ तक बन गई, 1 3 तक, कि 2 - sin 3x की वैल्यू 1 से 3 के मिड में हो सकती है। तो अगर क्वेश्चन होता कि 2 - sin 3x की रेंज क्या है, तो हम कह देते भाई 1 से लेकर 3 तक, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1/2 - sin 3x। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा, 1 अपॉन कर दूंगा यहाँ पर, तो 1/2 - sin 3x किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो ये भी 1/1 हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही आप रिवर्स करते हैं इनइक्वालिटी का साइन फिर चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर?
ये तो वन अपॉन वन वन ही रहने वाला है, और ये वन अपॉन क्या बन जाएगा, थ्री, और ये हमारा बन गया क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो गया, जो हमारा फंक्शन था उसकी रेंज हमको मिल गई 1/3 से 1/2 माइनस साइन 3x की वैल्यू 1/3 से 1 के मिड में आ गई। तो जो y बिलोंग्स टू था वो 1/3 से 1 बन गया हमारा। तो 1/3 से 1 चेक कर लेते हैं कौन सा है, तो 1/3 से 1 y की वैल्यू यही है, सी ऑप्शन, तो सी हमारा करेक्ट हो गया। अब इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है बताओ, ये भी कभी पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखो यहाँ पर रिवर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर थे, दोनों ही पॉजिटिव नंबर थे तो रिवर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर यही यहाँ पर -3 होता, सपोज करो ये 3 की जगह मान लेते कि -3 होता, तो क्या जब हम इसको रिवर्स करते तो क्या हमारा जो आंसर आता वो क्या यही होता कि कुछ चेंजेस करने पड़ते हमको, कि हम सीधे वही लिख देते कि -1/3 से लेके 1 तक, ऐसे बोल देते। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी से, जो मैं पूछ रहा हूँ उसी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, तो फिर आपको आइडिया होगा कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/2 cos x - 1। 2 cos x - 1 है, उसकी रेंज क्या होगी ये बतानी है। करो आप लोग और फिर बताओ 2 cos x - 1 की रेंज।
अरे कुछ बात समझ में नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ी होती है वो समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछूं कि कोई नेगेटिव नंबर है, सपोज करो कोई नेगेटिव नंबर के बीच में एक्स लाई कर रहा है या वाई, चलो लाई करा लेते हैं, एक्स तो हमने यूज़ किया क्वेश्चन में, वाई जो है वो यही ले लेते हैं, जैसे आपने यहाँ तक तो सॉल्व मेरे ख्याल से कर ही लिया होगा कि वाई की वैल्यू -3 से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 तक। तो अब देखो आप गलती क्या हो रही है कि 1/y कर रहे हो, तो यहाँ पे -1/3 कर रहे हो और फिर यहाँ पे 1/1 किए दे रहे हो, या चलो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करोगे, जब रिवर्स करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज करते हो ना रिवर्स करने के लिए, कि नहीं करते हो? तो क्या ये सही है कि जो 1/y है वो 1 से लेके -1/3 के बीच में आ जाए, 1 से बड़ी हो और -1/3 से छोटी हो, 1 से लेके -1/3 तक, ये कौन सी बात होती है? अगर क्वेश्चन होता कि भाई -1/3 से 1 के बीच में है तो एक बार बात तब भी समझ में आती, लेकिन 1 से लेकर -1/3 के मिड में ये कौन, 1 से बड़ा हो और -1/3 से छोटा हो, ऐसा कोई है 1/y? तो यहीं से हमको बात आइडिया क्लियरली हो जाएगा कि ये जो हमने किया है ये गलत है। क्यों गलत है उसका रीजन सुनिए। जैसे सपोज करो कि हमारे पास जो है वो y की वैल्यू -3 से y की वैल्यू 1 के मिड में है, तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। जब भी निगेटिव आए तो आपको इस तरह की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हम इसको ब्रेक कर देते हैं 0 तक में, -3 से लेके 0 तक में, और फिर 0 से लेके 1 तक में, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। और अब आप इसको रिवर्स कर दो 1/y, तो 1/ क्या बन जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1/3, ऐसा कुछ बनेगा। अरे भाई रिवर्स कर रहे हो, और यहाँ पर जब आप रिवर्स कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन यहाँ भी चेंज कर दो 1/0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग यहाँ और लगाना पड़ेगा कि हाँ बोलो। हाँ ये आएगा, बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से लेके -3 से 0, तो 0 से -3 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे जब उनका आप रिवर्स करोगे तो 1/0, तो ये -∞ तक जाएगा ना ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इसकी वैल्यू -∞ से लेके बड़ी होगी, -∞ से लेके कहाँ तक चली जाएगी, 1/3 तक, -1/3 तक, और यहाँ पर 1/y की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, जब भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हमको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर हमने डायरेक्ट कर दिया इस तरीके से तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये बिल्कुल भी हमको नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो आपने आंसर बता ही दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 1, तो सबसे पहले 2 cos x की वैल्यू निकालेंगे, तो -2 से लेकर 2 तक हो जाएगी, फिर 2 cos x -1 करना है, तो दोनों तरफ से हमने -1 कर दिया, तो -2 -1, और यहाँ पर आ गया 2 -1, तो 2 cos x -1 की वैल्यू -3 से लेकर ये 1 के मिड में आ गई। तो देखो सेम वही क्वेश्चन बन गया कि इसको अगर हम y मान ले तो ये -3 से 1 के मिड में आ गई। अब अगर डायरेक्ट रिवर्स कर दोगे फिर गड़बड़ है, तुम्हें इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। पहले पार्ट को क्या करोगे, -3 से 2 cos x -1 को 0 के इक्वल कर देंगे, और दूसरे वाले में 0 से बड़ा कर देंगे 2 cos x -1 को 1 तक, और फिर उसके बाद रिवर्स कर देंगे। अब उसके बाद आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 cos x -1। जैसे आपने इसको रिवर्स किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, ये -1/0 यानी -∞ बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये -∞ टू -1/3 हो जाएगा,
और जब यहाँ पर 1 अपॉइंट 2 कॉस एक्स माइनस 1 करेंगे आप, तो ये 1 बाई इन्फिनिटी और ये इनक्वालिटी का साइन, तो 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 1 बाई 0 इन्फिनिटी तक। तो जो हमारा आंसर है, जो रेंज का, रेंज ऑफ वन अपॉइंट टू कॉस एक्स माइनस वन इज, तो इन दोनों का कलेक्शन हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन बाई थ्री क्लोज्ड में यूनियन वन से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, कोई भी वैल्यू यहाँ पर वाई की बन सकती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पेपर में, ईजी और इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, टू कॉस एक्स की वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 कभी नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ 60 नहीं, 60 के जितने भी, कई बार कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 कई जगह पे होगी ना, जैसे एक तो 60 डिग्री पे होगी, एक और आगे बढ़ोगे तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर होगी, फिर फर्स्ट में आओगे, फिर फोर्थ में आओगे, तो हर जितनी बार भी घूमोगे हर बार कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो 1/2 नहीं होनी चाहिए। तो हम पूरा लिखेंगे कि जहाँ जहाँ पे 2n पाई प्लस पाई बाई कितना 60 आया, तो पाई बाई 3, तो वहाँ वहाँ पर जहाँ जहाँ पर जितने भी उसमें, अगर उसमें कोई डोमेन या कोई भी दिया हुआ है कि भाई इतने 0 से 2 पाई तक देखना है, तब तो हम 0 से 2 पाई तक देखेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम सब जगह चेक करके बताएंगे कि हाँ भाई बार बार यहाँ पर जहाँ जहाँ पर कॉस एक्स 1/2 होगा वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी, तो वो जो है वो रेंज, वो जो है वो डोमेन नहीं हो सकता, वो एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक हो रही बात, क्लियर हो रही है? चलिए तो और आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू गिवन है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसकी रेंज बतानी है क्या होगी, फाइंड रेंज। हो गया कुछ समझ में आ रहा, कैसे करेंगे? नहीं, वन से लेकर टू तक। ओके, टू कब होगा? तो दोनों की वैल्यू वन हो जाएगी, साइन 91 कॉस 90 भी वन, कॉस 90 तो जीरो होता है, तो देखो इसको इस तरीके से करोगे, स्क्वायरिंग कर दो इसकी बोथ साइड। अब ये तो पक्की बात है कि ये भी पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये भी पॉजिटिव है, तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स।
तो इसको तो हम 1 लिख सकते हैं वाई स्क्वायर को, ये तो 1 हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन 2x लिखा जा सकता है क्या? हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin x cos x sin 2x होता है। तो अब देखो जरा यहां से चेक करो कि y स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन 2x। अब मॉडुलस जो है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो या तो ये ग्रेटर देन होगी 0 या तो इक्वल टू 0 होगी। तो अगर हम कहें कि भाई वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो जब ये वाला पार्ट 0 होगा तब वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये तो 0 हो गया और यहाँ ये 1 है, तो 1 प्लस 0 1, यानी वाई मिनिमम कितना हो गया, अंडर रूट 1 यानी कि 1 हो गया। तो वाई की मिनिमम वैल्यू तो 1 हो गई। तो अच्छा अगर हमसे कहा जाए कि भाई वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो तब साइन 2x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन 2x की -1 से 1 के मिड में, लेकिन यहाँ पर तो मॉड साइन 2x है, मॉड साइन 2x की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक होगी, तो 0 से 1 के मिड में। तो या तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और या फिर मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो जब यहाँ पर साइन 2x की जगह पर आप यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, लेकिन ये तो वाई स्क्वायर की वैल्यू है, हमें तो वाई की वैल्यू चाहिए, तो 2 का अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिला के तो वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 से लेकर √2 तक। तो ये आंसर हो जाएगा मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की रेंज 1 से लेकर √2 तक। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या होगी, सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो तो रेंज क्या होगी, जरा सोचो। वाई इक्वल टू अगर सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो तो फिर रेंज क्या होगी, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की हुई, ऊपर अभी अपने आप नोट्स में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। ये लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ पर हमने बताया है कि y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता है अगर, तो y की वैल्यू माइनस के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक होगा। हाँ तो sin x प्लस cos x क्वेश्चन में कहा गया है, तो sin x प्लस cos x की रेंज क्या होगी, तो a की जगह पे 1 हो गया और b की जगह पे भी 1 हो गया। भाई यहाँ पर लिखा है cos थीटा प्लस sin थीटा है क्वेश्चन हमारा, तो माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी माइनस के रूट 2 से प्लस के रूट 2 के मिड में हो जाएगी वैल्यू। बात क्लियर हुई? चलिए तो ये तो क्वेश्चंस थे हमारे कि जब डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात होगी, क्योंकि वो तो हम कर चुके हैं। एक्चुअली मैं इस चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी थोड़ा सा रोल आ जाता है, लेकिन अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ नहीं है, तो उसको तो हम ब्रीफली जो है वो पूरा उसी में हम ग्राफ ड्रॉ करना और कैसे क्या डोमेन होगी क्या रेंज होगी वो सब तो वहाँ पर हम सीखेंगे ही। यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन सिर्फ कर पाएंगे अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डोमेन और रेंज सिर्फ याद रख लेते हैं। तो बाकी पूरा चैप्टर तो हम सेकेंड चैप्टर अपने उसमें करेंगे ही, बाद में पूरा चैप्टर है वो सारे ग्राफ वगैरह जितने भी हैं, डोमेन रेंज और साइन इनवर्स साइन एक्स और ये सब जितना भी है उनके ग्राफ, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये सारे ग्राफ तो हम वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको एक टेबल मैं बना देता हूँ, वो आपको सिर्फ याद कर लेना है ताकि हम इस चैप्टर में जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन है जो डोमेन और रेंज से रिलेटेड है वो हम कर पाएंगे। तो सिर्फ आपकी ड्यूटी क्या होगी कि आप सिर्फ इनको आपको लर्न करना होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग क्या हो जाएगी, डोमेन एंड रेंज ऑफ
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अभी हमने चैप्टर किया नहीं है, ये सेकेंड चैप्टर है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में मिल जाएंगे। तो सिर्फ आपको इनके डोमेन रेंज याद कर लेने हैं, बाकी पूरा चैप्टर हम वहाँ पर करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर इनके बारे में करेंगे तो फिर ये पूरा चैप्टर हमको करना पड़ेगा। वहाँ पर भी हम कर लेंगे, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन वहाँ पर नहीं करेंगे, कर लेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा आप इनके बारे में आइडिया रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, दो बार पढ़ने के लिए हो जाएगा। वहाँ पर भी हम इस चैप्टर को फिर से करेंगे और उससे डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर और अच्छे वे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कर लेंगे तो हमें एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। क्वेश्चन कैसे आया वो तो अभी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर भी वही बना लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ये बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा उसका डोमेन और यहाँ पर आ जाएगी उसकी रेंज। जैसे अभी हमने साइन कॉस 10 के किए थे वैसे यहाँ पर इनके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स जो है उसका डोमेन जो है वो -1 से 1 के मिड में होता है, और जो इसकी रेंज है y बिलोंग्स टू वो -π/2 से +π/2 के मिड में ही होती है, ना तो इससे कम हो सकता है और ना तो इससे ज़्यादा हो सकता है। बस आपको ये याद कर लेना है कैसे आया, क्यों ऐसा हुआ, ये सब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे सारी की सारी, और उनके ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, तो उल्टा ही तो हो गया, वाई इक्वल टू जब साइन एक्स होता है तभी तो एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स, साइन इधर से उधर जाता है तो जो डोमेन होता है वो रेंज और जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनको जो है थोड़ा सा कट किया गया है, क्योंकि पूरे के पूरे फंक्शन का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, साइन इनवर्स साइन एक्स का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है और उसी से फिर डोमेन और रेंज बनाई गई है। ठीक है, तो बिल्कुल ये है कह सकते हैं इसको। तो साइन इनवर्स एक्स के बाद अब दूसरा आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन भी -1 से 1 होता है और रेंज जो वाई की वैल्यू है वो 0 से पाई के मिड में होती है, रेंज जो है वो 0 से पाई के मिड में। फिर तीसरे नंबर पे आता है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो कोई भी रियल नंबर होगा, सब पे डिफाइंड है, और जो इसकी रेंज होती है टेन इनवर्स एक्स की वो -π/2 से +π/2, वो भी ओपन इंटरवल में। देखो साइन को देख के आपको आइडिया हो रहा है कि साइन की वैल्यू माइनस की भी है प्लस की भी है, टेन भी माइनस की प्लस की सेम है, लेकिन पाई बाई टू पे अनडिफाइंड होता है ना टेन एक्स, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल आया। लेकिन कॉस इनवर्स एक्स जो है अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई के मिड में लाई कर रहा है, तो क्या कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है क्या, जब इसकी रेंज ही 0 से पाई के मिड में है तो क्या कॉस इनवर्स एक्स कभी निगेटिव हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी रेंज ही 0 से पाई के मिड में है। रेंज का मतलब ही है कि इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ तक आएगी और मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी। फिर आ जाता है कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स में x बिलोंग्स टू फिर रियल नंबर होता है और रेंज जो है वो y की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के मिड में होता है। फिर बात करते हैं sec इनवर्स x की, sec इनवर्स x का जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, जो डोमेन होता था वही बन गया इसमें रेंज, और जो रेंज है y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी वो भी लिख लेते हैं। y बिलोंग्स टू 0 से पाई एक्सेप्ट sec कहाँ पर 0 दे देता है 90 डिग्री पे, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट पाई बाई टू, तो 0 से पाई एक्सेप्ट ऐसे लिख लेंगे। और फिर लास्ट बचता है sec इनवर्स x के बाद cosec इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू फिर वही सेम हो जाएगी जो लिखी हुई है,
एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, और वाई बिलोंग्स टू, जैसे कॉस में अगर आप देखें ध्यान से तो सेक के साथ कनेक्शन किसका है, जो सेक का लिखा है जीरो से पाई, वही यहाँ पे जो कॉस का लिखा है जीरो से पाई वही सेक का भी लिखा हुआ है, बस पाई बाई टू हटाया गया था। तो उसी तरीके से अगर कॉसेक की बात हुई है तो क्या होगा, जो साइन का लिखा गया है उसमें से क्या हटा दिया जाएगा, बताओ, सोचो थोड़ा सा। जैसे सेक का लिया गया तो कॉस में जीरो से पाई होता है तो पाई बाई टू हटा गया क्योंकि 90 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर रखें तो क्या हटाना चाहिए हमको, कहाँ पर ये जीरो हो जाएगा कॉसेक, कहाँ पर साइन जीरो होता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई एक्सेप्ट जीरो, सिर्फ जीरो लेना है, यहाँ पर एन पाई वाला काम नहीं है क्योंकि बता तो रहा हूँ, इसीलिए तो ये बता रहा हूँ। देखो साइन एक्स का जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में एक्स की वैल्यू सिर्फ हमको कहाँ से कहाँ तक लेनी है, माइनस वन से वन तक, जबकि साइन एक्स की जो ग्राफ होता था उसमें एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेते थे, यानी एक थोड़ा सा पार्ट लिया गया ना, साइन एक्स का जो पार्ट लिया गया वो सिर्फ माइनस वन से वन तक लिया गया, और जो रेंज होती थी वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती थी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट लिया गया है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के मिड में, बाकी आगे एन पाई तक तो हमें जाना ही नहीं है, हमें एन पाई तक तो कहीं जाना ही नहीं क्योंकि हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन तक जानी है और वाई की वैल्यू सिर्फ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही लेनी है। यानी कोई कह दे कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टू पाई दी हुई है, तो क्या साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टू पाई हो सकती है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, साइन इनवर्स एक्स की तो रेंज ही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है। रेंज का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज का मतलब लिमिट, औकात। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू सिर्फ या तो माइनस पाई बाई टू हो सकती है या तो मैक्सिमम पाई बाई टू हो सकती है या तो इनके बीच में हो सकती है। अगर हमसे कहा जाए कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई है तो हम बोलेंगे नहीं, ये तो रॉन्ग है, कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के मिड में। बात समझ रहे? इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स का जो है वो माइनस वन से वन के मिड में लिया गया और उसकी वैल्यू जो जीरो से पाई तक ली गई है, तो जीरो से पाई का मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू किसी ने कह दिया माइनस वन है, तो क्या कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कभी माइनस वन हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि रेंज उसकी माइनस में है ही नहीं, वो तो सिर्फ जीरो से पाई तक ही जाएगा, बाकी कहीं जाएगा ही नहीं, निगेटिव वैल्यू में जाएगा ही नहीं। जीरो से पाई का मतलब वो पॉजिटिव फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स एक ऐसा है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। बात समझ रहे हैं? और कॉस और सेक में क्या है सिमिलरिटी, कि कॉस इनवर्स एक्स जो है और सेक इनवर्स एक्स में वाई की वैल्यू सेम है, बस हमें पाई बाई टू हटाना है क्योंकि सेक अनडिफाइंड दे देगा, तो इसलिए हमने उसको पाई बाई टू हटाया है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्यों हटाया गया क्यों लिया गया वो तो अभी जब हम चैप्टर करेंगे तो हमको आइडिया होगा। अब जैसे इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कुछ इस टाइप का था, लिख लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई टू, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, साइन इनवर्स एक्स बाई टू, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू। तो अब देखो साइन इन हमसे ये डोमेन के बारे में पूछ रहे हैं, तो अब हमने अभी सीखा था कि जो डोमेन होता है साइन इनवर्स एक्स का, ये लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस वन से वन में। तो साइन इनवर्स में जो ये एक्स है तो इस एक्स स्क्वायर बाई टू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जो एक्स स्क्वायर बाई टू है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, माइनस वन से वन तक। तो इसको हम क्या करें, हम डोमेन की बात कर रहे हैं, हम रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स होता है वो एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस वन से वन तक में। हम इसका डोमेन निकाल रहे हैं, अभी हम इसकी रेंज नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम इसका डोमेन निकाल रहे हैं।
तो साइन इनवर्स के साथ ये जो अंदर आया है वो एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स में हमें पता है, हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स की बात होती तो एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता, तो एक्स की जगह पे बस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर -2 से +2 के मिड में लाई कर रहा है। तो अब बताओ जरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। हाँ हाँ और इसमें क्या बताया गया है, एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर, कि जो डोमेन बताया जाता है उसमें लिखा रहता है डेफिनेशन में फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, उसमें आई का कोई काम नहीं होता, इमेजनरी नंबर हमको कोई नहीं लेना है। तो अब पहले तो हमें यह सोचना है कि क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है क्या, क्या एक्स स्क्वायर जो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है एक्स स्क्वायर, क्या इसकी वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2 -1 ये सब तो हो ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर 2 तक, √2 तक नहीं, जब रूट हटाओगे तब ये 2 है, √2 हो जाएगा, अभी तो कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 2 तक, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है भाई, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये तो ट्रू हो गया, ऑलवेज ट्रू। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर -2 लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसके फैक्टर कर लिए एक्स प्लस √2 और एक्स -√2 लेस देन और इक्वल टू 0, और इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, एक प्लस √2 और एक -√2, यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी, तो क्या आंसर हो जाएगा एक्स का। क्या आंसर हो जाएगा, सारा तो मैंने कर दिया, सिर्फ आपको आंसर बताना है। ये कह रहा है निगेटिव चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब सिर्फ निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव किसके किसके बीच में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा -√2 से +√2 के मिड में। जब आप एक्स की वैल्यू -√2 से +√2 के मिड में रखेंगे तो ही इसका जो डोमेन है वो इतना आने वाला है, यही डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, -√2 से +√2 रखोगे तभी ये डिफाइंड होगा, नहीं तो डिफाइंड ही नहीं होगा। आ रही बात समझ में कि प्रॉब्लम है इसमें। हो गया यहाँ तक, इसमें जल्दी से कर लें यहाँ तक, फिर बताएं। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, बस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू चेंज कर दी गई थी, बाकी ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन, और डोमेन हमें किसका बताना है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पर दिया था 1 + x² / 2x। चलो चेक करो, सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स 1 + x² / 2x।
वो तो साइन इनवर्स एक्स में अगर एक्स होता तो एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई चलती है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस वन से वन कैसे आ रहा है? देखो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स होता है वो माइनस वन से वन के मिड में लाई करता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स जो है वो माइनस वन से वन के मिड में लाई करेगा। एक बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पिछली क्लास में पढ़ी थी मॉडुलस फंक्शन की कि अगर मॉड एफ एक्स जो है वो के इक्वल होता है, या अगर हम कहते हैं कि लेस देन और इक्वल टू के होता है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस के से प्लस के मिड में होती है। तो इससे अगर हम यहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो हम यहाँ से भी यहाँ जा सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स का जो मॉडुलस है वो लेस देन और इक्वल टू वन होगा? अब हमने मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, और ये क्या बन गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस, और यहाँ पर बन गया चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी था तो टू को इधर भेज दिया तो ये बन गया टू मॉड एक्स। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इस टू मॉड एक्स को इधर भेज दोगे तो माइनस टू मॉड एक्स हो जाएगा। इसको मॉड एक्स का भी स्क्वायर लिख सकते हो, लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बन गया, और ये बन गया लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या? परफेक्ट स्क्वायर ये लिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो या तो निगेटिव है या तो जीरो है, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर जो है वो या तो पॉजिटिव होता है या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो होता है, तो निगेटिव वाला तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो मॉड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सिर्फ क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो मॉड एक्स माइनस वन जीरो, तो मॉड एक्स की वैल्यू वन, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ प्लस माइनस वन। फिक्स हो गई कि एक्स की वैल्यू, इसकी जो रेंज है वो सिर्फ दो ही है, एक तो प्लस वन और एक माइनस वन। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, हेंस डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस वन और वन, सिर्फ दो ही हो सकते हैं और कोई होगा ही नहीं। ये नहीं बोलेंगे कि माइनस वन से वन तक, हम क्या बोलेंगे सीधे सीधे इसको कि या तो वन पे रखोगे तो डिफाइंड है, और या माइनस वन रखोगे तो डिफाइंड है, बाकी कोई केस में ये डिफाइंड ही नहीं होने वाला है। सारी बात समझ में? तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन बनेंगे। बस आपको क्या करना है, ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज है वो लर्न कर लेनी है। आगे भी हम करेंगे इससे रिलेटेड, और कुछ लॉग और एक्सपोनेंशियल के जो डोमेन और रेंज है वो करेंगे। तो लॉग जो आपने पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज को आपको जो है लर्न करना है। फिर इसमें आते हैं सिग्नम फंक्शन के, मॉडुलस के हम कर चुके हैं, सिग्नम फंक्शन के मिलेंगे क्वेश्चन कि सिग्नम फंक्शन के कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के डोमेन रेंज के क्वेश्चन कैसे करते हैं। मेनली डोमेन रेंज के क्वेश्चन जेई में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बाकी अभी आपका जो सिलेबस है वो तो उसमें है ही है कि उसमें वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं वो तो अभी करेंगे, पहले डोमेन रेंज से रिलेटेड जितना भी है वो पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके।